Subscribe now and press the bell icon never miss an update Hello students Welcome to my youtube channel You are learning English with BM Sharma guys. We are reading lesson number 8 of class 12 book rainbow Journey to the end of the earth Prithvi ke antem chhor yatra एंटार्क्टिका महाद्वीप तक की यात्रा टिसानी जोशी ने की है टुडे वी आर टेकिंग द थर्ड लेशन थर्ड लेशन वॉक ऑन द ओशन वॉक ऑन द ओशन थर्ड पार्ट सॉरी थर्ड पार्ट ऑफ लेशन नंबर एट महासागर पर चलना वॉक ऑन द ओशन सी फ्रॉम द बिगनिंग। आप अपना ध्यान केंद्रित करें वर्ड टू वर्ड सेंटेंस ट्रांसलेशन पर साथियों ये ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रांसलेशन अगर हमारी हो जाएगी तो उससे कई सारे प्रॉफिट्स हमें होने वाले हैं जैसे बुक्स के अंदर जो छुपा हुआ है जो स्टोरी है जो थीम है वो हमारी समझ में आने के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आते हैं ट्रांसलेशन समझ में आता है इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश समझ में आता है इसके आगे चल के हमें कई सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो ध्यान से आप ट्रांसलेशन देखें ट्रांसलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश तो शुरू करते हैं हम माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस यहाँ से शुरू करेंगे हम माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपीफेंसीज अभी यानी प्रत्यक्ष दर्शन जो हम देखते हैं सामने अपनी आँखों से देखते हैं खुली आँखों से तो एंटार्कटिका का मेरा अनुभव प्रत्यक्ष दर्शन से भरा हुआ था प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा हुआ था और द बेस्ट अकर्ड लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्कटिक सर्किल एंटार्क्टिक सर्किल के नजदीक हुई थी एट 65.55 फाइव डिग्री साउथ जो कि पैंसठ डिग्री दक्षिण में यह उसकी लोकेशन बताई गई है एंटार्कटिक जो घेरा है उसके नजदीक ही ऐसा हुआ था जो बेस्ट अनुभव वहां प्राप्त हुआ लेखिका को herself यानी की खुद को घुसाने में समर्थ हो पाई थी खुद को घुसा पाई थी हर सेल्फ एंड टू तो अ थिक वाइड स्ट्रेच एक मोटी सफेद फैलाब में गुस्सा पाई थी कहने का मतलब मोटी बर्फ की एक परत है उसके अंदर गुस्सा पाई थी खुद को ऑफ आइस बर्फ की बिटवीन द पेनसूला एंड टेडपोल आइलैंड पेनन्सूला और टेडपोल जो द्वीप हैं, उनके बीच में कहीं बर्फ की मोटी परत है उसके बीच में खुद को गुस्सा पाई थी विच वॉज प्रिवेंटिंग जो हमें रोक रहा था फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर आगे चलने से रोक रहा था ये हमें द कैप्टन डिसाइडेड हमारे कप्तान ने निश्चय किया था वी वर गोइंग टू टर्न राउंड एंड हेड बैक नॉर्थ हम मुड़ने वाले थे आगे चल के और उसके बाद हेड बैक नॉर्थ उत्तर की तरफ मुड़ने वाले थे आगे चल के हम पीछे मुड़कर उत्तर की तरफ चलने वाले थे बट बिफोर वी डिड लेकिन जब हम ऐसा करते उससे पहले ही वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड हम सबको निर्देश दिए गए थे क्लाइम डाउन उतरने के द गैंग प्लैंक कहते हैं पुल को उस पुल से उतरने के निर्देश थे हमारे लिए इन वॉक ऑन द ओशन और महासागर पर चलने के निर्देश थे गैंग प्लैंक है उनके जहाज से नीचे उतरने का पुल गैंग प्लैंक तो उस पुल से नीचे उतर करके महासागर पर हमें चलना था सो देर वर सो देर वी वर इसलिए हम सभी उट एंड गोरटेक्स एंड ग्लेयर तो हम गोरटेक्स मेंट आउट थे किट कहते हैं आ, अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं विशेष तरह के कपड़ों का जो बंडल है हमारा जो बैग है वो किट है तो हम किटेड गोरटेक्स एंड ग्लेयर गोरटेक्स में हम किट आउट हो गए थे कहने का मतलब है हमने विशेष तरह के परिधान वगैरह पहन लिए थे और एंड ग्लेयर और वहां पर जो चमक थी उससे बचने के लिए विशेष तरह के चश्मे भी हमने पहन लिए थे वॉकिंग ऑन द वाइटनेस उस कठोर सफेदी पर चल रहे थे हम कठोर सफेदी का मतलब बहुत ज्यादा चमक भरी हुई सफेदी वहां पर थी जिसे हमारी नंगी आंखें सहन नहीं कर पाती और डैमेज हो सकती है इसलिए विशेष इस तरह के चश्मे वगैरह पहन करके पूरी अपनी उस चश्मे वाली किट के साथ में हम रेडी थे वहां पर वॉकिंग चल रहे थे उट फॉर एवर जो सर्वत्र फैली हुई हमें दिखाई दे रही थी दूर दूर तक फैली हुई बर्फ की एक चादर हमें दिखाई दे रही थी वहाँ पर अंडरनी हमारे पैरों के नीचे वॉज अ मीटर थिक आइस पैक अ मीटर एक मीटर की मोटी आइस पैक बर्फ की परत थी हमारे पैरों के नीचे एक मीटर मोटी बर्फ की एक चादर थी बर्फ की एक परत थी एंड अंदर नीथ दैट और उसके नीचे 180 मीटर्स मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर 180 मीटर तक वहां लिविंग यानी जीवंत ब्रीदिंग सांस लेता हुआ सॉल्ट वाटर खारा पानी था उसके नीचे एक मीटर बर्फ की चादर हमारी थी जिसके ऊपर हम चल रहे थे उससे नीचे 180 मीटर तक सजीव जल था सांस लेता हुआ इन द पेरीफ्रेरी और उस पेरीफ्रेरी कहते हैं आसपास के आ, क्या कहते हैं सीमा को या बाउंड्री को या आसपास की परिधि को तो उसमें आसपास की परिधि में क्या था क्रेब ईटर सील्स क्रेब ईटर सील्स क्रैब यहां कोई केकड़े हैं उनको खाने वाले सील सील एक विशेष प्रकार का समुद्री जानवर होता है जो जिसको हम सील मछली भी कहते हैं कभी तो सील समुद्री एक जानवर है तो वो क्या कर रही थी वह स्ट्रेचिंग वो, वो उधर अंगड़ाई ले रहे थे लोट पोट हो रहे थे एंड सनिंग और धूप सेक रहे थे ऑन आइस बर्फ पर आइस फ्लोज आइस फ्लोज का मतलब तैरती हुई बर्फ पर तैरती हुई बर्फ की चादरों पर सील मछली जो थी वो धूप सेक रही थी स्ट्रेचिंग का मतलब होता है वहां लेटे हुए थी मछलाइक like डॉग्स वो बिल्कुल आवारा कुत्तों की तरह से डॉग्स विल डू अंडर ऑफ बेन ट्री यानी बरगद के पेड़ की शेड या छाया में जैसे आवारा कुत्ते लोट पोट होते हैं और आनंद लेते हैं बरगद के पेड़ की छाया में बिल्कुल वैसे ही वहां पर सील मछलियां आनंद से लोटपोट हो रही थी स्ट्रेचिंग व लेटे हुए थे इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ रेवलेशन यह एक रेवलेशन कहते हैं रहस्य उद्घाटन को रिबिल अभिव्यक्त करना है, बताना कुछ सामने लाना तो यह एक रहस्य उद्घाटन से के अतिरिक्त कुछ और नहीं था एवरीथिंग डज इन डीड कनेक्ट हर चीज वास्तव में जुड़ी हुई थी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी टाइम और नौ टाइम के जो जोन्स हैं समय खंड सिक्स यानी घर से लेकर के और एंटार्क्टिका तक की बता रही है लेखिका टिशानी डोसी कि नौ समय खंड उन्होंने पार किए थे सिक्स चेक पॉइंट्स और छह चेक पोस्ट चौकियां जिनको कहते हैं वो पार किए थे थ्री बॉडीज ऑफ वाटर तीन जल निकाय जल निकाय जिनको हम महासागर कह सकते हैं तीन महासागरों को पार करके उधर गए थे इन मैनी इकोस्फियर्स और बहुत सारे जैव मंडल उन्होंने पार किए थे इकोस्फियर्स लेटर यानी उसके बाद इन चीजों को चलते उसके बाद बहुत सारे जैव मंडल पार किए थे आई वॉज स्टिल वंडरिंग मैं अभी भी आश्चर्य कर रही थी अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इस संतुलन के सौंदर्य पर आश्चर्य कर रही थी इन प्ले ऑन द प्लेनेट इस हमारे प्लेनेट पर हमारे ग्रह पर आ, संतुलन का जो सौंदर्य दिखाई दे रहा था कहने का मतलब है कि सुंदरता का जो सौंदर्य दिखाई दे सॉरी सुंदरता का जो संतुलन दिखाई दे रहा था हमारे इस ग्रह पर उसको देखकर अभी मुझे आश्चर्य हो रहा था हा वुड इट बी कैसे होगा इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वॉर्म प्लेस यदि एंटार्क्टिका एक गर्म स्थान बन जाए तो क्या होगा दैट इट वंस यूज टू बी जैसा कि यह कभी हुआ करता था जब लाखों अरबों बरस पहले एंटार्क्टिका गर्म स्थान हुआ करता था तो धरती पर जीवन नहीं था अब वो स्थान ठंडा है इसलिए जीवन है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने से और अन्य जहरीली गैसों के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है भूमंडली तापन की प्रक्रिया हो रही है तो उससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उत्तरी ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं वहां पर बर्फ के पहाड़ पीछे खिसकते जा रहे हैं अर्थात वो पिघल पिघल के छोटे होते जा रहे हैं दैट इज अ पॉइंट ऑफ ग्रेट कंसर्न हियर ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है तो एंटार्क्टिका गर्म स्थान हो जाए तो क्या होगा विल वी बी अराउंड टू सी इट क्या हम आसपास से इसे देखने के लिए होंगे क्या मनुष्य जाति रहेगी और वुड वी के डायनासोर जैसे डायनासोर गए वैसे हम भी चले जाएंगे क्या डायनासोर्स मेमथ्स मेमथ्स कहते हैं विशाल का है रोएदार हाथी अभी जो हाथी हमको दिखाई देते हैं उनसे कई गुना ज्यादा विशाल का रोएदार हाथी एंड वूली डोस और ऊनी गेंडे जिनको हम कहते हैं राइनोस होते हैं रायस और एक उनके आगे नाक के स्थान पर एक सींग होता है ऊपर को राइनोस तो जैसे वो इतने बड़े बड़े विशाल का जीव जंतु इस धरती से चले गए वैसे ही क्या हम भी चले जाएंगे कौन कह सकता है बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक्स विद बंच ऑफ टीनेजर्स लेकिन टीनेजर्स जो हैं किशोरों के मुंह के साथ में दो सप्ताह गुजारने के बाद हैव द आइडलिज्म कौन से किशोर जिनके मन में अभी भी आइडलिज्म आदर्श है आदर्शवाद उनके मन में है टू सेव द वर्ल्ड दुनिया को बचाने का आदर्शवाद ऑल आई कैन से जो कुछ मैं कह सकती हूँ इस दैट वो ये है कि लॉड कैन है मिलियन यर्सों में यानी दस लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है बट वॉट डिफ्रेंस लेकिन एक दिन भी क्या अंतर ला सकता है यानी एक दिन भी बहुत फर्क ला सकता है इस चीज़ में एक एक दिन मूल्यवान है हम जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे प्रकृति को बचाने के जितने किए जाने चाहिए उतने प्रयास हम नहीं कर रहे उससे ऐसा लगता है जैसे एक न एक दिन ये प्रकृति पूरी तरह तबाह हो जाएगी मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे अगर ऐसा ही अपना रवैया रहा सामान्य शब्दों में सभी लोग कहते हैं सेव वाटर सेव लाइफ पेड़ों को बचाओ जीवन बचाओ सेव ट्रीज सेव लाइफ सेव वाटर सेव लाइफ हमें अपने जीवन के सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए इस पृथ्वी पर हम हरे भरे पेड़ लगाएं ज्यादा से ज्यादा जल को बर्बाद होने से बचाएं ये दो चीजें हमारे लिए बहुत महत्व की हैं पेड़ और जल दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हैं जुड़ी हुई हैं तो साथियों हमें भी आज एक संकल्प लेना चाहिए कि हम भी पेड़ों की रक्षा के लिए काम करेंगे अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे वनों को बचाएंगे हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है जैसे एक संतान को पाल पोष करके बड़ा करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो दो पेड़ों को हम लगाएं, कम से कम अपने जीवन में दो पेड़ लगाएं और उनको पाल पोस करके बड़ा करें उन पेड़ों को इससे हमें वही पुण्य प्राप्त होता है बाकी की हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये प्रकृति की पूजक रही है हमेशा ही तो प्रकृति की पूजा करने का मतलब है प्रकृति का सम्मान करना पेड़ पौधे लगाना जंगलों का विनाश ना करना हरियाली का विनाश ना करना जल का दोहन न करना ये चीज़ें हमारी संस्कृति का भी हिस्सा रही हैं है। पृथ्वी को हमें कोई निर्जीव वस्तु ना मान करके एक सजीव प्राणी की तरह लेना चाहिए पूरी पृथ्वी सजीव प्राणी है और हम कहते भी हैं पृथ्वी हमारी माता है पुत्रो अहम पृथ्व्याम तो हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं तो साथ ही यो पृथ्वी का सम्मान करना है हमें यू ही हम आगे बढ़ते रहेंगे अभी जो हमारी कक्षा बारह की किताब हम पढ़ रहे हैं इस अभियान में आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं रिलेशन आपको समझ में आते हैं अच्छे लगते हैं तो ज़रूर ये काम थोड़ा सा हमें हर विद्यार्थी तक पहुँचाना है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ में लेसन नंबर नाइन के साथ में टिल देन बाय